सहरसा के बेहरा पटोरी बाजार को बचाने के लिए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, मोहम्मद शमीम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बेहरा एवं पटोरी गांव के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने बाजार में फ्लाईओवर ब्रिज बनाकर बेहरा पटोरी बाजार को बचाने की गुहार लगाई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व पार्षद प्रवीण आनंद ने कहा कि NH-327E के निर्माण के लिए नए सिरे से भूमि अधिग्रहण हो रहा है, जिस कारण यहाँ के लोगों का घर टूट सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितना भी मुआवजा दे दे, विस्थापित होकर अन्यत्र बसने से लोग बुरी तरह से बिखर जाएंगे, लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। इसे फ्लाईओवर ब्रिज बनाकर ही बचाया जा सकता है। ये निर्णय लिया गया कि नए भूमि अधिग्रहण नीति का विरोध किया जाएगा। तो वहीं बैठक में आगामी 15 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया और आज 15 जनवरी को मानव श्रृंखला के तहत लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहरा पटोरी बाजार को बचाने के संबंध में पत्र लिखा है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व पार्षद प्रवीण आनंद, आप भी सुनिए। पटोरी बाजार है जहां खास करके ये ऐतिहासिक बाजार है और इस बाजार को बचाने के लिए, ताकि हम लोगों को बाजार भी बचे, हम लोगों का घर भी बचे और सड़क भी बन जाए, क्योंकि यह भारत माला योजना के तहत रूपरेखा तैयार की गई है। यह जो बाजार है, मेरा पटोरी बाजार है, यह पूरा फोर लेन में चला जाए तो हम लोग गुजर जाएंगे। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि वो हमको भी बचावे और सड़क भी बनावे, ताकि हम लोगों को नुकसान नहीं हो, हम लोग बसे रहे और सड़क भी बन जाए। ये हम लोगों का खुशी का काम मानव श्रृंखला था। देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में और प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं कि हम लोगों को घर भी बचा दीजिए और सड़क भी बना दीजिए, ताकि विकास कम से कम हम लोग देख सकें। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ग्रामीणों की अपील को सरकार सुनती है और किस तरह सहरसा के बेहरा पटोरी बाजार का विकास हो पाता है।